नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। शहर के बुद्ध पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से आपके कार्यों से तिलमिलाए हुए है और अनर्गल आरोप लगाकर सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है। पार्टी के राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने दफ्तर में आने के लिए समन भेजा जाना सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। इस मौके पर प्रदेश संगठन सचिव समित टिक्कू ने कहा कि सच्चे और ईमानदार छवि वाले सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की एक साजिश है। शहर की सड़कों की दशा सुधर नहीं रही है। शहर के तमाम इलाकों में सड़कें खुदी पड़ी है। इसका मुख्य कारण पानी लाइन का या गैस पाइपलाइन के लिए खोदा जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क खोदने बाद लोनिवी के एक साल के भीतर दो बार सड़क बना चुका है, फिर भी इनकी हालत नहीं सुधरी है। शनिवार को पड़ताल में तल्ली हल्द्वानी और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी रोड की दशा बदहाल मिली। यहाँ 6 महीने पहले बनी सड़क में गड्ढे ही गड्ढे बन गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी बनी हुई है। लगातार खराब हो रहे ट्यूबवेल पानी के संकट को और बढ़ा रहे हैं। घरों में महिलाओं को पूरे दिन टैंकर से इंतजार करना पड़ रहा है। रविवार को भी सुबह से ही विभाग के टैंकर गलियों में पानी बांटने लगे हैं। लोगों का कहना है कि हर दिन 2 से 4 बाल्टी पानी ही मिल रहा है, जिससे परिवार की जरूरतें पूरा करना मुश्किल हो रहा है। जल संस्थान का एक ट्यूबवेल सही नहीं हो पा रहा है कि दूसरा खराब हो जाता है। लगातार मांग किए जाने के बाद भी विभाग पुरानी मोटरों को बदलने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तापमान और पछुआ हवा चलने से सूरज की किरणें अब सुबह से ही झुलसने लगी हैं। रविवार को सुबह से ही मौसम काफी गर्म रहा। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। सुबह 9 बजे से ही धूप तेज होने से अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। तपती दोपहरों में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। काठगोदाम पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात गश्त के दौरान सूचना मिली कि कालीचौड़ मंदिर के पास एक युवक शराब बेच रहा है। वही टीम ने आरोपी तुषार ठाकुर निवासी काराढुंगी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 60 पब्बे देशी शराब के बरामद हुए हैं। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।